हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो गाइस आप सब? मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ हमारा यूट्यूब चैनल में, पूजा डॉट नेट ट्यूटोरियल। गाइस, हमारी ये नई प्लेलिस्ट अभी चल रही है एमवीसी की। अब इस एमवीसी की प्लेलिस्ट के हमने अभी तक तीन चार वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ बेसिक एमवीसी एप्लीकेशन का, ठीक है? तो गाइस, अगर आप चैनल पे नए होते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब और शेयर कर लेना, और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि मैं जब नया वीडियो पोस्ट करती हूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और वो आप वीडियो वॉच कर लेना, ठीक है? अगर आपको कुछ डाउट हो गया मेरे कॉन्सेप्ट जो मैं पढ़ाती हूँ, आपको कुछ एरर वगैरह आ गया तो मुझे बोल देना, कमेंट बॉक्स में बताना, मैं ज़रूर आपकी हेल्प कर दूंगी, ठीक है? तो ये हमारा यहाँ पे मैंने एमवीसी एप्लीकेशन ओपन करके रखा है। बेसिक वीडियो में हमने देखा था बेसिक्स, कंट्रोलर्स क्या होते हैं, व्यूज क्या होते हैं, मॉडल्स मॉडल्स का मैं वीडियो नेक्स्ट वीडियो डाल दूंगी। मॉडल क्या होते हैं, मॉडल में हम प्रॉपर्टी कैसे सेट, एट्रीब्यूट कैसे सेट करते हैं, वो भी बोल दूंगी, ठीक है? तो पहले तो हमने देख लिया था कंट्रोलर के क्या होते हैं, कंट्रोलर के अंदर मेथड कैसे क्रिएट करते हैं, और आफ्टर दैट हमने देखा था व्यूज क्या है। तो व्यू क्या है वो हमने हमारी लास्ट वीडियो में देखा था। तो मैं रिकमेंड करूंगी, अगर आपको कंट्रोलर और व्यू पता नहीं होता तो आप वो वीडियो आप पहले देख ले। आफ्टर दैट ये हमारा सेकेंड वाला जो वीडियो, ये है आज का वीडियो है रेजर व्यू इंजिन। रेजर व्यू इंजिन क्या है, आज की इस वीडियो में हम पढ़ाई करने वाले, ठीक है? तो ये देखो गाइस, ये हमारा, ये देखो इधर स्टूडेंट कंट्रोलर है। यहाँ पे मैंने स्टूडेंट कंट्रोलर ओपन किया है। इस स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर हमारे थ्री मेथड्स है, इंडेक्स, डेमो, टेस्ट, ठीक है? ये हमारे थ्री मेथड्स है, इंडेक्स, डेमो एंड टेस्ट, ठीक है? तो मैंने बोला था लास्ट वीडियो में सिंपल मेथड, एक्शन रिजल्ट मेथड हम कैसे क्रिएट करते हैं इनसाइड ऑफ द कंट्रोलर, एंड उसको रिटर्न कैसे करते हैं एज अ व्यू, ये भी देखा था। जब व्यू क्रिएट नहीं होता तो हमको एड व्यू करना पड़ता है, जब व्यू क्रिएट होता है तो हमको गो टू व्यू करना है। ये देखो अभी तो इसके व्यू है तो यहाँ पे गो टू का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है? लेकिन व्यू एड नहीं होता और आप गो टू व्यू करेंगे तो वो एड सॉरी वो व्यू आपको फाइंड नहीं होगा, ठीक है? तो पहले आपको व्यू एड करना है, आफ्टर दैट गो टू व्यू करना है। सेकेंड पार्ट जो है अभी इस वीडियो में हम देखने वाले रेजर व्यू इंजन, तो वो सारा व्यू के ऊपर हम देखने वाले, ठीक है? तो ये हमारी एक टेस्ट मेथड है, मैंने लास्ट वीडियो में ही वीडियो मेथड बनाई थी, ठीक है? इस टेस्ट मेथड का हमने ऑलरेडी व्यू क्रिएट करके रखा था, ठीक है? अगर आपको मेथड में व्यू कैसे क्रिएट करते नहीं पता होता, एक बार फिर से देख लो। ये देखो, यहाँ से पहले आपको एड व्यू करना है, देन व्यू एड करना है। अभी तो इस मेथड का मैंने ऑलरेडी व्यू क्रिएट करके रखा है, तो मैं अभी नया व्यू नहीं ऐड करती, जस्ट मैं करती हूँ गो टू व्यू, ठीक है? ये हमारा टेस्ट मेथड का व्यू यहाँ पे आ चुका है। अभी ये देखो, यहाँ पे इस टेस्ट डॉट सी एस एस टी में, टेस्ट डॉट सी एस एस टी में, टेस्ट टेस्ट क्या है, हमारा व्यू का नाम है डॉट सी एस एस टी में। डॉट सी एस एस टी मीन्स क्या है, सी शार्प हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है? इस सी एस एस टी एम एल पेज के ऊपर हम एच टी एम एल, सी एस एस, जावा स्क्रिप्ट, कोड ऐड हियर कर सकते, कोड हम यहाँ पे ऐड कर सकते। लेकिन रेजर व्यू इंजिन क्या है, वो सपोर्ट करता है किसको, सी शार्प के कोड को एच टी एम एल के कोड में ऐड कर सकते हम बाई यूजिंग रेजर व्यू इंजिन। तो आपको ये कंसेप्ट याद रखना ही रखना है, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है और हमको बहुत यूजफुल है। हम जैसे जैसे आगे जाएंगे आपको और डीपली रेजर व्यू इंजन का इम्पोर्टेंस है पता चल जाएगा। तो रेजर व्यू इंजन क्या है, तो पहले तो आपको याद रखना है रेजर व्यू इंजन जो है हम यूज़ करते हैं एट द रेट साइन, ठीक है? रेजर व्यू इंजन जब हम यूज़ करते हैं तब यूज़ करते हैं एट द रेट साइन, यानी कि मैं यहाँ पे देखो इस पेज पे अभी तो कुछ नहीं, यहाँ पे एक H2 का टैग है और इसमें टेस्ट दिया है, लेकिन इस HTML के पेज में मुझे C# का कोड भी ऐड करना है, तो मैं यूज़ करती हूँ रेजर व्यू इंजन। लेकिन ये देखो, हम डायरेक्टली यहाँ पे C# का कोड ऐड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते,
क्योंकि वो एप्लीकेबल नहीं है, सर्वर को सिर्फ HTML लैंग्वेज ही पता है, ठीक है। तो मुझे सी शार्प का कोड भी यहाँ पे HTML कोड पे कोड में ऐड करना है, तो यूज करते हैं रिजर्व्यू इंजिन। तो पहले देख लेते, यहाँ पे एक H2 का टैग है, उसमें टेस्ट शो हो रहा है, ठीक है। आफ्टर दैट मैं क्या करती हूँ, आज का डेट यहाँ पे डिस्प्ले करती हूँ। तो यहाँ पे मैं H2 के टैग में H2, उसके बाद एट द रेट, मुझे क्या देना है, आज की डेट, इसलिए मैं देती हूँ डेट टाइम डॉट नाउ, ठीक है, डॉट टू स्ट्रिंग टू डेट टू सॉर्ट डेट स्ट्रिंग, ठीक है, ये आपको चूज करना है। आफ्टर दैट हमारा राउंड ब्रैकेट क्लोज करना है, आफ्टर दैट ये H2 का टैग भी क्लोज कर लेना है, ठीक है। ये देखो, ये जो है हमारा सी शार्प का कोडिंग है। डायरेक्टली हम यहाँ पे ऐड करते तो वो रन नहीं होता, लेकिन मैं रिजर्व्यू इंजन के साथ करती हूँ तो ये हमारा डेट टाइम यहाँ पे शो होगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या आता है हमारा फाइनल आउटपुट। ठीक है, एप्लीकेशन रन हो गया हमारा। ये देखो, ये हमारा आज की, मैंने एक पहले एक टेस्ट मैसेज दिया था, आफ्टर दैट ये हमने यहाँ पे डेट टाइम की, डेट टाइम नाउ की हेल्प से हमने आज की डेट प्रिंट करवा दी। लेकिन यहाँ पे देखो, ये एक थोड़ा सा ये देखो कर लिया यहाँ पे, सॉरी स्क्वेयर, ये ओपन और क्लोज हुआ है, मैं उसको हटा देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा हुआ है तो मैं हटा देती हूँ, आफ्टर कंट्रोल एस करती हूँ। जस्ट आपको यहाँ पे पेज पे आना है और एप्लीकेशन फिर से नहीं रन करना है, जस्ट यहाँ पे आपको रिफ्रेश करना है। ये देखो, वो चला गया। ये है हमारा बेसिक रिजर्व्यू इंजन का, हम यूज करके हमने डेट टाइम आज की प्रिंट करवा ली, ठीक है। ये तो बेसिक हो गया, लेकिन मुझे कुछ वेरिएबल वगैरह डिफाइन करना हो व्यू पेज के अंदर, तो हम यूज करते हैं वेर कीवर्ड के साथ, हम डिस्प्ले करते हैं, ठीक है। वो भी देख लेते हैं कैसे करते हैं, ठीक है, एक एक देख लेते हैं। हमने तो अभी डेट प्रिंट करवा ली, अभी मुझे क्या चाहिए, लाइक मल्टी लाइन मुझे लाइक कोड ऐड करना है सी शार्प का। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, आपको देना है पहले एट द रेट, आफ्टर दैट कर ली ओपन क्लोज। इसमें क्या करना है, मैं पहले तो वेर एक डेट वेरिएबल क्रिएट करती हूँ, और उसमें ये फंक्शन, ये वाला जो हमने यहाँ पे फंक्शन कॉल किया था, जैसे इसको कंट्रोल एक्स करती हूँ और यहाँ पे ऐड कर देती हूँ, ठीक है। और आफ्टर दैट सेमी कोलन लगाना है। ये एक मैंने वेरिएबल डिफाइन किया और एक मैं स्ट्रिंग टाइप का डेटा स्टोर करवा देती हूँ, स्ट्रिंग MSG कर देती हूँ मैसेज, ठीक है, और उसमें देती हूँ हेलो, ठीक है, हेलो दे दिया, आफ्टर दैट सेमी कोलन। ये हमने अभी मुझे सी शार्प का कोड, यहाँ पे देखो हमने टू वेरिएबल डिफाइन किए, इन केस आपको टू से भी ज्यादा वेरिएबल डिफाइन करना हो तो आप हर एक लाइन पे एट द रेट साइन देना जरूरी नहीं है। यहाँ पे आप जस्ट कर ली ओपन क्लोज करो एट द रेट साइन के साथ, रिजर्व्यू इंजन के साथ, आफ्टर दैट उस करली में आप सी शार्प का कोड राइट करो, ठीक है। तो आपको कोड भी कम होगा और ये लिखने में भी इजी होगा, ठीक है। या तो हमने इस ये देखो, यहाँ पे हमने डेट टाइम नाउ यहाँ पे ले लिया और इस डेट की यहाँ पे स्टोर करवा दिया, आफ्टर ये स्ट्रिंग हमने हेलो ले ली और इस MSG में स्टोर करवा दी। लेकिन हमने अभी तक प्रिंट किया है क्या, नहीं किया, तो प्रिंट भी कर देती हूँ मैं। यहाँ पे H2 के टैग में मैं दे देती हूँ, ये देखो क्लोज H2 भी कर लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पे देती हूँ मैं टुडे डेट, ठीक है, टुडे डेट इज, आफ्टर दैट एट द रेट साइन के साथ डेट, ये देखो अब ये डेट जो आ रही है, डेट टाइम नाउ टू सॉर्ट डेट स्ट्रिंग,
ये किस में स्टोर हो रही है, इस वेरिएबल के अंदर, ये देखो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो रही है ना डेट की, तो यहाँ पे आपको जस्ट देना है डेट, आ गया ठीक है। ये तो रिजर्व्यू इंजन में हम इजीली यूज करते हैं हमारा सी शार्प का कोड। यहाँ पे मैं और एक एच टू ले लेती हूँ, और उसमें मैसेज जो है हमारा ये वाला जो मैसेज है वो मुझे प्रिंट करवाए, तो कैसे करेंगे आप, ये देखो यहाँ पे जस्ट आपको क्या करना है, एच टू क्लोज कर दिया, यहाँ पे एट द रेट साइन एम एच जी यहाँ पे आ गया ठीक है। अभी कंट्रोल एस कर देती हूँ, और हमारा एप्लीकेशन रनिंग में है तो मैं जस्ट उसको रिफ्रेश कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखो आज की डेट भी आ गई, और हमारा ये जो टेक्स्ट हमने स्टोर करवा दिया था इस वेरिएबल के अंदर वो भी डिस्प्ले हो गया। तो गाइज आपको याद रखना है, जब भी आप रिजर्व्यू इंजन यूज करते हो तो एट द रेट साइन देना जरूरी है ठीक है। रिजर्व्यू इंजन क्या होता है, जो कि सी शार्प का कोड जो है हमारा, हम HTML के पेज के अंदर इंसर्ट करना पॉसिबल होता है ठीक है। अभी तो हमारा ये HTML का पेज है, लेकिन इस HTML के पेज में मैं सी शार्प का कोड भी ऐड कर रही हूँ बाय यूजिंग रिजर्व्यू इंजन। तो आपको ये याद रखना है, ये बेसिक रिजर्व्यू इंजन का हमने तो देख लिया। आप इसी तरीके से फॉर लूप भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, वो कैसे करते हैं वो भी दिखा देते ठीक है। तो फॉर लूप कैसे करते हैं, जस्ट आपको देना है एट द रेट, मैंने बोला था जब भी आप सी शार्प का कोड यूज करते हो तो आपको एट द रेट देना जरूरी है। इंटा आई इक्वल टू कहाँ से स्टार्ट करना है, जीरो ठीक है, आई लेस देन 5 कर लेती हूँ, आफ्टर दैट आई प्लस प्लस कर ली, ओपन क्लोज कर लेती हूँ, आफ्टर दैट इस कर ली में एट द रेट आई डॉट टू स्ट्रिंग ठीक है। आफ्टर दैट एक ब्रेक का भी टैग मैं ऐड कर देती हूँ ठीक है, यानी कि 1 by 1 प्रिंट होगा। ठीक है यहाँ पे ऐड करना है आपको, कंट्रोल एस करती हूँ, फॉर लूप में यहाँ पे मैंने ऐड किया बाय यूजिंग रिजर्व्यू इंजन। फॉर लूप आप यूज कर सकते हो, फॉर लूप यूज कर सकते हो, फॉरिश लूप यूज कर सकते हो, स्विच केस यूज कर सकते हो, आपको जो सी शार्प का कोड HTML के पेज में ऐड करना है कर सकते हो बाय यूजिंग रिजर्व्यू इंजन ठीक है। अभी तो हमने ऐड कर लिया, अब मैं पेज को यहाँ पे जाके जस्ट रिफ्रेश कर देती हूँ, तो ये देखो फॉर लूप भी सक्सेस हमारा हो गया बाय यूजिंग रिजर्व्यू इंजन। हमने ये सारा आज की इस वीडियो में हमने देखा है। तो गाइज अगर आप चैनल पे नए होते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब और शेयर कर लेना, और वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। अगर आपको कुछ समझने में डाउट हो गया तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज वीडियो।